आज महागठबंधन की महारैली है और ऐसे में महारैली के शुरू होने से पहले ही जो असामाजिक तत्व हैं उनका उपद्रव शुरू हो गया है। जी हाँ, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर जो असामाजिक तत्व हैं उन्होंने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया और जदयू कार्यालय के बाहर लगे सारे पोस्टरों को फाड़ दिया है। जिसके बाद आनंद फानन में मौके पर जो कोतवाली थाने की पुलिस है, अतिरिक्त सुरक्षा बल है, उनको भेज दिया गया है। जो दंगा निरोधी दस्ता है उनको भी तैनात कर दिया गया है। कहीं ना कहीं जो असामाजिक तत्व हैं वो अब जो सत्तारूढ़ दल है भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, उनको उनके कार्यालय के बाहर उपद्रव मचा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो भी पोस्टर लगे थे पार्टी दफ्तरों के बाहर उनको पूरी तरह से फाड़ दिया गया है, जिसके बाद पुलिस की तैनाती कर दी गई है। पार्टी दफ्तर के अंदर और बाहर जो पुलिस है वो पूरी तरह से तैनात है ताकि किसी तरह की कोई परेशानी जो है वो ना हो। कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह से लाखों की संख्या में जो लोग पटना में आ रहे हैं महारैली में शामिल होने के लिए, तो ऐसे में लगातार ये कयास लग रहे हैं कि उनमें से ही किसी का जो काम है वो जो है ये पार्टी दफ्तर के बाहर उपद्रव मचाने का है। लेकिन कहीं ना कहीं हालांकि अभी इस मामले की पुष्टि नहीं हुई है, इस मामले में पुलिस भी है, पूरी तरह से तैनात है। पुलिस छानबीन करेगी कि आखिर कौन वो लोग हैं जो पार्टी दफ्तरों के बाहर उपद्रव मचा रहे हैं। हालांकि सुरक्षा के एहतियातन पटना में अतिरिक्त पुलिस बलों की भी तैनाती कर दी गई है। साथ ही साथ जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के अंदर और बाहर भी जो पुलिस बल हैं वो तैनात है ताकि किस तरह की कोई परेशानी ना हो। जो लोग हैं महागठबंधन के जो लोग आए हैं वो किसी तरह का कोई उत्पात ना मचाए, चुपचाप अपनी रैली में जाए, पटना के गांधी मैदान में शामिल हो, अपने नेता को सुने। लेकिन कहीं ना कहीं जो रैली में लाखों लोग आए हैं उसमें कुछ असामाजिक तत्व जो हैं उस मौके का फ़ायदा उठाकर जो सत्तारूढ़ दल हैं उनके दफ्तरों में घुसकर ज़रूर उपद्रव मचाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सारे पोस्टरों को जिस तरह से फाड़ दिया गया है उसे साफ जाहिर होता है कि जो नेता कार्यकर्ता पटना पहुँचे हैं उसमें कुछ असामाजिक तत्व ही घुसकर जो है जो विपक्ष है, जो विरोधी है उनको परेशान करने की जो तैयारी है वो पहले से ही करके आए थे। ये सीधी तस्वीर है भाजपा और जदयू दफ्तर के बाहर की, जहां जो तमाम असामाजिक उपद्रवी हैं उनका उपद्रव जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसी के एहतियातन जो पुलिस है उसको भी तैनात कर दिया गया है ताकि किसी तरह की कोई परेशानी जो है वो पटना में उत्पन्न ना हो, क्योंकि इलाका VIP है और किस तरह जो लोग हैं उनको आने जाने में किस तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन जो उपद्रवी तत्व हैं वो अपना उपद्रव करते जरूर नजर आ रहे हैं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूले। पटना से NBC 24 के लिए विशाल भारद्वाज।